दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें आप जो है बैकग्राउंड में स्काई इफ़ेक्ट कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट था पुराना town.prisma। तो इसमें मैं बैकग्राउंड में स्काई लगाने वाला हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और ये प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। तो भाई ने कमेंट किया था कि जो स्काई का टेक्सचर होता है उसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्काई का इमेज डाउनलोड कर लेना है और हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जो है सभी को ग्रुप में कर लेता हूँ। ये शायद बाहर था सब कुछ। तो यहाँ पे इसको जूम इन करके देखते हैं। ये हमारा टाउन का प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनाया था मैंने। तो इसमें हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दिख रहा है और मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्काई लगाना है, टेक्सचर डालना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक शेपर लेना है और शेपर को जो है इसकी ऊंचाई को चौड़ाई को बड़ा कर देना है। और इस तरह से आपको इतना बड़ा करना है कि ये पूरा का पूरा टाउन जो है आसानी से इसके अंदर ढक जाए, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने इसको इतना बड़ा कर दिया इधर से और इसकी ऊंचाई को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इतना कर देते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, टेक्सचर डालना है। टेक्सचर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जो भी रिसेंटली होगा वो इमेज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्काई का टेक्सचर लिया था, उसको जो है यहाँ से कलर इसको हम सफ़ेद कर देते हैं इस तरह से। इसको आप अब जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई का टेक्सचर डल गया है और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। और लाइट इफ़ेक्ट अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। इसको जो है आपको रोटेट करना होगा तो रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर पे थोड़ा दूसरी कलर का है। तो चलिए हम इसको जूम इन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। इसमें सड़क का टेक्सचर मैंने डाल रखा था। तो आप और अच्छे से इसमें स्काई का टेक्सचर डाउनलोड करके डाल सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश किया कि आप कैसे स्काई इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और बाकी ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो आप प्रिज्मा 3D चैनल पे आके वहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऑलरेडी पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका था, वो लिंक जो है काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको लिंक दे सकूँ और आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्काई टेक्सचर आप ऐसे ही करके डाल सकते हैं और अगर आपको लगे कि छोटा बड़ा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको आप और बड़ा भी कर सकते हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस छोटे से वीडियो टॉपिक में यही था कि आप इसका इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। आप इसके अलावा और भी कलर वगैरह, इसको लाइट वगैरह, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप लाइट देंगे तो यहाँ पे एक सन लगा देंगे और सन के सेंटर में लाइट लगा देंगे तो ऐसा फील होगा कि एक तरफ से लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो है चलिए कुछ ट्राई करते हैं। तो एनिमेशन करते टाइम आप देख सकते हैं, अगर नाइट का सीन दिखाना है, कुछ भी सीन दिखाना है, तो आप इस तरह से रोटेट करके इसको लाइट को, एक ही लाइट को रोटेट करके आप दिखा सकते हैं और देख लीजिए कैसा सिटी का पूरा माहौल ही चेंज हो जा रहा है। और हाइट भी इसकी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो फिलहाल हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसकी जो रोटेशन है अगर आप इस पर क्लिक करके इसको दाएं बाएं सरकाते हैं तो, सॉरी कॉल आ गई थी, तो इस पर आप इसको आप अपने हिसाब से सिटी को पूरी तरह से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और एनिमेशन बहुत ही जल्द मैं लेके आने वाला हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए एनिमेशन नहीं ला पाता। और आप यहाँ से देख सकते हैं एनिमेशन करते टाइम आप इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये सन इफ़ेक्ट या बैकग्राउंड में सन का इफ़ेक्ट जो है वो पूरा देखने को मिलेगा। लाइट पर क्लिक करके आप इसका कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
तो मैं थोड़ा इसमें लाइट कलर रेड कलर पे जाता हूँ और इस तरह से, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। और अगर चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये और रेड हो जाए तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं रोटेट करके इस तरह से। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट की लिंक मैं दे दूँगा नीचे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।